हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आपका इंटरनेट स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो चल रहा है इस समय, तो उसका सलूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसा सीक्रेट कोड बताऊंगा जो सारी कंपनियां सीक्रेट रखती हैं, और एक APN बनाऊंगा जिसकी सहायता से आपका इंटरनेट स्पीड काफ़ी फास्ट होने वाला है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी प्रकार के कंपनियों के लिए अप्लाई होता है, चाहे जियो का हो, वोडाफोन का हो और अदर कोई भी कंपनी हो। तो इस वीडियो में मैं एक सीक्रेट कोड बताऊंगा, एक APN तैयार करूंगा जिसकी मदद से आपका इंटरनेट स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा, एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसके लिए अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर, आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम अपने फ़ोन को होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। होम स्क्रीन पे आने के बाद हम अपने सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाता है तीसरे नंबर पे। हर जगह कई ऑप्शन होगा, सिम का ऑप्शन भी होगा, उसमें भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिम का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, सबसे सिम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और सबसे नीचे चले जाएंगे, एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिल रहा है जिसका नाम है APN साथ में, तो इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने दो APN बना के रखे हैं जो जिन्हें मैं ऑलरेडी यूज करता हूँ, तो मैं एक तीसरा APN भी आज बनाऊंगा, जो कि फर्स्ट वाला जो है जियो 4G मैक्स 2.0 ये वाला। इसके लिए भी एक वीडियो है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और हम एक नया APN आज तैयार करेंगे, तो यहाँ पर देखिए न्यू APN का ऑप्शन मिल रहा है, न्यू APN के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेट नेम का ऑप्शन मिल रहा है, ध्यान से वीडियो देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर सेट नेम का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम एक कोड अप्लाई करेंगे 8.8.4.4 4.4, और यहाँ पे थोड़ा गैप देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 और जी, इतना लिखने के बाद ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, APN का नाम देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम वही कोड डालेंगे 8.8.4.4, नहीं यहाँ पे बीच में पॉइंट भूल गए, तो इसे कर लेंगे। ऐसे करने के बाद देख सकते हैं एकदम सेम टू सेम यही पड़ेगा, और यहाँ पे दे देंगे 5G, फिर वही लिख देंगे 5 सब कैपिटल में रहेगा 5G, और उसके बाद बीच में गैप दे देंगे स्पेस, और उसके बाद लिखेंगे सब कैपिटल में नॉट, फिर स्पेस देंगे 4 और जी, और हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम सीधे सीधे नीचे चले जाएंगे, इन सब ऑप्शन को किसी को नहीं चलना है, और यूजर नेम पासवर्ड किसी को नहीं हमें छेड़ना है। यहाँ पे देखते हैं सर्वर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे लिख देंगे www.google.com हम लिख देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसे नीचे चले जाएंगे, इन सब ऑप्शन को किसी ऑप्शन को हमें नहीं डिस्टर्ब करना है, और सबसे नीचे आपको मिल जा रहा है APN प्रोटोकॉल, इस वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे फ़ोन में ये कोई नहीं सेट रहता है, और कभी कभी IPv4 रहता है, तो हम इसे इसमें लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। और नीचे भी हमको मिल रहा है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, तो इसमें भी हम लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। बेयरिंग का ऑप्शन मिल रहा है, देखिए अनस्पेसिफाइड मतलब दिखाई देता है, हम LTE पे सेलेक्ट कर लेंगे, LTE पे सेलेक्ट जैसे ही कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा APN बन चुका है। यहाँ पे देखिए डन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम यहाँ से इसे डन कर लेते हैं और ओके कर देंगे। एक APN हमारा देखिए जनरेट हो चुका है, और हम इस अपने या आपके में यहाँ पे जियो 4G सिम होगा, तो आप इसे आसानी से यहाँ पे क्लिक करके अब अपना यूज कर सकते हैं, डाटा काफ़ी इंटरनेट आपका फास्ट होगा। आई होप कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।